हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज़ आई है। जी हाँ, पर्सनल असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया है, इसमें आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट का, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। जी हाँ, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर आप देखें इसमें तो सैलरी जो है वो 30,000 पर मंथ होगा, और इसके अलावा कोई आपको दूसरा अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, जब तक कि आप कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में हैं तब तक आपको कोई अदर अलाउंस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ये जो पोस्ट है वो 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, और चाहे तो ये हाईकोर्ट जो है वो उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। जी हाँ, इसको एक्सटेंड भी कर सकती है अगर वो चाहे तो। अभी फ़िलहाल ये जो है वो 6 मंथ के लिए जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इसका रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसमें अगर हम पोस्ट की बात कर ले तो इसमें 45 पोस्ट जो है वो यहाँ मेंशन है, ठीक है। और अगर आप देखें मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें, तो क्वालिफिकेशंस में अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन यानी कि 12th के बाद प्लस टू करने के बाद जो आपके पास जो डिग्री होती है ग्रेजुएशन का, BA, BSc, BCom वगैरह, ये ग्रेजुएशन इसका मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। इसके साथ साथ इसमें आपको शॉर्ट हैंड सीखना बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट हैंड आना चाहिए। शॉर्ट हैंड जो होगा वो इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी नहीं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए। और इसके साथ साथ इंग्लिश में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। जी हाँ, इंग्लिश शॉर्ट हैंड होना चाहिए, दूसरा क्वालिफिकेशन है। शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए इंग्लिश में, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड और इंग्लिश में टाइपिंग भी, ठीक है। इंग्लिश में टाइपिंग भी आपको चाहिए। और हम बात करें अगर ये स्पीड की, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो है वो 80 वर्ड पर मिनट ये इसका स्पीड होगा, और टाइपिंग की अगर हम बात करें तो वो 40 वर्ड पर मिनट होगा। और ये दोनों टेस्ट जो होंगे वो लिए जाएंगे आपके एंट्रेंस टेस्ट के बाद। देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश शॉर्ट हैंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड सेपरेट टेस्ट ऑफ इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट। यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ साफ साफ लिखा है कि शॉर्ट हैंड इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा और इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट अलग अलग लिया जाएगा, जिसमें आपको इस मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पीड यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैंडिडेट जो होंगे उनका सिलेक्शन जो होगा इस टेस्ट के बाद जो है वो लिस्ट निकाला जाएगा, और इसके बाद जो है इंटरव्यू का प्रोसेस होगा, ठीक है। इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू में जो पास होंगे वही बच्चे जो है वो क्वालिफाई होंगे। जी हाँ, 45 पोस्ट हैं, इसमें आप लोग जो है वो आवेदन कर सकते हैं। PA यानी पर्सनल असिस्टेंट का पोस्ट है। अगर हम आगे बात करें एग्जामिनेशन फ़ी का, तो इसमें कोई फ़ी नहीं लग रहा है। जी हाँ, कोई फ़ी नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो फी रिक्वायरमेंट, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें संख्या में आवेदन कर सकते हैं, ये आपको लेकिन शॉर्ट हैंड आना चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉर्ट हैंड जानते हैं और इंग्लिश टाइपिंग है, तो आपको हाई कोर्ट में काम करने का ये सुनहरा अवसर आपको फिर दोबारा नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो यहाँ पर 18 से 37 यानी कि 18 to 37 ईयर्स के जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं। 18 to 37 ईयर्स, जी हाँ, 18 to 37 ईयर्स के होने चाहिए। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के एंड तक जो डेट है वो वहाँ तक माना जाता है इसको, ठीक है। और अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, ये एग्ज़ाम तो है वो, इसके बाद जो है वो आपको शॉर्ट, पहले तो ये आपका एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, नॉर्मल एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस तरह का एक एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा। अभी उसका कोई डेट मेंशन नहीं आया है। उसके बाद जो है वो उसका आपका टेस्ट देना होगा, टाइपिंग टेस्ट। टेस्ट दो तरह के होंगे, एक होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट, ठीक है, शॉर्ट हैंड टेस्ट देखना होगा, और दूसरा जो है वो आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा, दोनों इंग्लिश में, ठीक है, दोनों इंग्लिश में होंगे। और इसकी हम आगे बात करें इसमें, तो इसमें वही आवेदन कर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं, वही आवेदन करें। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो भी पर्सनल असिस्टेंट को मिलने वाले बेनिफिट्स में जो यहाँ पे मेंशन है वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि पर्सनल असिस्टेंट जो होते हैं उनको जो है वो पब्लिक हॉलीडेज़ मिलते हैं, और बहुत तरह का जो भी है हॉलीडेज़ जो है वो उनको दिया जाता है। 2 कैजुअल लीव जो है वो ले सकते हैं, पेड कैजुअल लीव, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखेंगे कि दे विल नॉट बी अलाउड मोर देन 4 डेज कैजुअल लीव एट ए टाइम, एक बार में 4 दिन से ज़्यादा का जो है वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो है वो क्राइटेरिया होते हैं, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। जो अगर आप कैंडिडेट अगर आप चाहें फॉर्म भरना, तो वो डेट जो है वो 5/5/22 तक है। जी हाँ, ये डेट जो है वो 5/5/22 तक जो है वो आवेदन कर सकते हैं, आवेदन बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, इसके लिए कोई फ़ी आपको नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है, नो फी है।
ठीक है, ये जो आवेदन है वो 15/4/22 से पोर्टल जो है इसका खुल चुका है। हालांकि फर्स्ट डे जो था वो पोर्टल थोड़ा सर्वर थोड़ा जाम आ रहा था, अगर आप चाहें तो अभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद जो है वो आप यहाँ पे जो भी आपका जो एप्लीकेशन आएगा आपके सामने उसका वो आप एक कॉपी जो है वो अपने पास फ्यूचर में रखने के लिए सेव कर लें। और एक चीज़ और, जो कैंडिडेट जो है वो अगर बिहार से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बिहार से ही हैं, तो वो उनको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, अभी जो है वो आपको हो सकता है प्रोसेस में आगे करने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांग लिया जाए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कोई आपको इंक्वायरी चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।